टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। टूलकिट से जुड़े तमाम सूत्रों को दिल्ली पुलिस खंगाल रही है। अब दिल्ली पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूम से उन लोगों की जानकारी मांगी है जिन्होंने 11 जनवरी को बैठक में खालिस्तानी ग्रुप द्वारा कथित तौर पर किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए टूलकिट तैयार करने के लिए एक मीटिंग की थी। पुलिस ने आरोप लगाया कि मुंबई की वकील निकिता जैकब और पुणे की इंजीनियर शांतनु उन 70 लोगों में शामिल थे जो राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की हिंसा से कुछ दिन पहले जूम ऐप के जरिए बैठक में शामिल हुए थे, जिनमें 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए थे और एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई थी। इस बीच टूलकिट मामले की जांच में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े भजन सिंह भिंडर उर्फ इकबाल चौधरी और पीटर फ्रेडरिक के नाम सामने आए हैं। पुलिस को टूलकिट सूची में इन दोनों के नाम मिले हैं। अब इसकी पड़ताल की जा रही है कि इसके लिए ISI की ओर से फंडिंग तो नहीं हुई। पुलिस का कहना है कि निकिता जैकब और शांतनु की गिरफ्तारी के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। उधर दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सियासत पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने कहा कि दिशा रवि की गिरफ्तारी कानून और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए हुई है। कानून 22 साल और 50 साल की उम्र में कोई अंतर नहीं करता। कोर्ट ने गिरफ्तारी को सही मानते हुए 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। जो लोग कहते हैं कि गिरफ्तारी में कोई कमी है, ये बिल्कुल गलत है। टूलकिट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, केस दर्ज है और उस केस के अंतर्गत सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। कल हमारा जो जॉइंट CP साइबर सेल है उन्होंने आपको ब्रीफ किया था और जैसे ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ और भी लोगों से पूछताछ के बाद और धीरे धीरे चीजें बात और क्लियर होंगी, जैसा क्लियर होगा आपको बताया जाए। मैं आपको इस समय पे मैं केस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में अभी विस्तार से नहीं बता सकता क्योंकि अभी कुछ प्रीमेच्योर है। अभी बहुत लोगों से पूछताछ हो रही है और जैसे जैसे हमको जानकारी मिलेगी ये हम जानकारी आपको जरूर शेयर। दिशा से मिले डिजिटल सबूतों के आधार पर पता चलता है कि पुणे निवासी सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर शांतनु ने टूलकिट तैयार करवाई थी और इसके लिए उसने एक ईमेल एड्रेस तैयार किया था, इससे ही टूलकिट भेजी गई। निकिता और दिशा ने उसमें एडिटर की भूमिका अदा की। जूम मीटिंग में MO धालीवाल और अन्य ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ITO पर ट्रैक्टर हादसे में मरे किसान रवनीत सिंह की मौत को पुलिस की गोली से मौत बताना भी इसका ही हिस्सा था। ब्यूरो रिपोर्ट।